आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बहुत सी बार आपने होटल या रेस्टोरेंट पर खाना खाया होगा और आजकल तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जमाना है, तो जब चाहो तब ऑर्डर भी कर लेते हैं हम लोग। कुछ जगहों का खाना बहुत टेस्टी होता है तो कुछ जगहों का ऐसा होता है कि व्यक्ति को मजबूरन स्टाफ से कंप्लेन करनी पड़ती है या फिर दूसरी डिश मंगानी पड़ती है। उदाहरण के लिए ही मुंबई के एक रेस्टोरेंट में ग्राहक ने खाना ऑर्डर किया, उसके खाने में मरा हुआ चूहा निकला। इसके बाद ग्राहक ने उसको फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में तो शिकायत हो गई, लेकिन कई बार अक्सर होता है कि स्टाफ आपकी सुन भी लेता है, लेकिन कुछ जगह का स्टाफ ऐसा भी होता है जो आपकी नाराजगी को नजरअंदाज कर किसी भी तरह का बहाना देकर बात को टाल देते हैं। अब त्योहारों का समय है, दिवाली है, क्रिसमस है, दशहरा आने वाला है, नवरात्रि आने वाली है। ऐसे में लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और दोस्तों यारों के साथ बाहर खाने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट में जाएंगे जाते हैं। और अब अगर रेस्टोरेंट में खराब या मिलावट वाला खाना मिले तो आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं, इसका टोटल प्रोसेस क्या है और इसके लिए भी अपनी जेब से क्या आपको पैसा खर्च करना होगा, इन सभी सवालों पर हम आज के ज्ञान ध्यान में बातचीत करेंगे। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान, मैं हूँ खुशबू कुमार। अगर होटल या रेस्टोरेंट में परोसा गया खाना खराब है या खाने में कुछ मिला है तो रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। अगर खाने में ऐसी खराबी है जिससे ग्राहक की यानी आपकी जान को भी खतरा हो सकता है तो पुलिस में भी शिकायत की जा सकती है। अगर रेस्टोरेंट मिलावट वाला या खराब खाना परोसता है तो सबसे पहले फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSSI को ऑनलाइन या ऑफलाइन उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। अब पहली बात, अगर आप ऑफलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं यानी किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर खाने में कुछ गड़बड़ियां मिलती हैं तो ऑफलाइन शिकायत करने के लिए खाने का जो सैंपल है जिसमें खराबी मिली है उसको नजदीकी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSSI के लैब में आपको ले जाना होगा। जिस खाने का सैंपल आप लेकर जाएंगे उसका लैब में टेस्ट करवाना होगा। खाने में अगर कुछ भी खराबी मिली टेस्ट के बाद तो रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की जाएगी। अब ऑनलाइन शिकायत यानी अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं जोमेटो स्विगी से तो FSSI का ऑनलाइन पोर्टल भी है, वहां पर आपको जाना होगा। प्रोसेस्ड विथ फूड रिलेटेड ग्रीवांस पर आपको क्लिक करना होगा, फिर आप लेफ्ट की ओर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको कंज्यूमर बॉक्स का एक टैब मिलेगा, वहां पर आपको जाना है और लॉग इन करना है। इसके बाद जब आप लॉग इन करके खोलेंगे तो एक नया टैब खुलेगा, उसके बाद आपको लेफ्ट मेन्यू में रजिस्टर न्यू कंप्लेंट पर क्लिक करना होगा। जो भी जानकारी इस क्लिक करने पर आपको मांगी जाएगी वो आपको उसमें देना है, आपको उस पूरे फॉर्म को भरना होगा। इसके बाद एक टिकट नंबर दिया जाएगा, उसे आप नोट कर लें। अब देखिए, आपने ऑनलाइन शिकायत तो कर दी, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई क्या हो रही है, आप उसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं? जैसे हमारा कोई सामान डिलीवर होता है, अगर आप कोई सामान मंगाते तो हम ट्रैक भी कर पाते हैं ना, तो ठीक वैसे अगर आपने शिकायत कर दी है और कार्रवाई किस स्पीड से हो रही है किस स्पीड से नहीं उसे आप ट्रैक कर सकते हैं कैसे? तो शिकायत ट्रैक करने के लिए आपको FSSAI के शिकायत पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ कंप्लेंट ट्रैकर में अपना टिकट नंबर आपको डालना होगा और जो कैप्चा है वो फिल करना होगा। सबमिट करने के बाद कार्रवाई की जानकारी आपको मिल जाएगी। FSSAI ने शिकायत हल करने की कोई टाइम लिमिट नहीं दी है। शिकायत करने के बाद जो पहला रिस्पॉन्स है उसे आने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। अब आप लैब में जो खाने का सैंपल ले जा रहे हैं, आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि क्या उसके लिए मुझसे पैसे लिए जाएंगे? तो जवाब है हाँ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टेस्ट के दौरान अगर गड़बड़ी सामने आने के बाद शिकायतकर्ता ने टेस्ट करने पर जो पैसे खर्च किए हैं वो उसे वापस लौटा दिए जाएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब उस खाने में वाकई आपने जो शिकायत करने के लिए आप लेकर गए हैं उसी के आधार पर मिलेगा। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1943 की धारा 2A के मुताबिक ऐसा खाना जिसे खाने के बाद ग्राहक की हेल्थ को नुकसान पहुंचने की संभावना हो या खाने में कोई ऐसी चीज ऐड की जा रही हो जिससे आपकी हेल्थ को नुकसान हो उसे मिलावटी खाना मान लिया जाता है।
अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खाना खराब हो तो ही आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, बल्कि कई और भी गड़बड़ियां हैं जिसके होने पर आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे खाने में धूल, कीड़े और फंगस मिलने पर, खाने में मिलावट होने पर, एक्सपायरी डेट वाले फूड प्रोडक्ट बेचने पर, खुले पैकेट या गलत पैकेजिंग वाला खाना बेचने पर, फूड पैकेट में गलत या अधूरी जानकारी लिखी हो, फूड पैकेट में मेकर या मार्केटर का एड्रेस ना लिखा हो, तो इन सारे चीजों पर आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रेस्टोरेंट के बाहर का कुछ खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो ऐसे में आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं? आप राज्य के फूड सेफ्टी ऑफिसर, कलेक्टर या आपके एरिया के फूड सेफ्टी कमिश्नर से ये शिकायत आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जब आपने कोई वेज खाना ऑर्डर किया हो और नॉन वेज खाना आ जाए, तो इस केस के कई कानूनी पहलू हो सकते हैं। अगर होटल कर्मचारी ने अनजाने में नॉन वेज खिला दिया हो तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी, कोर्ट के आदेश पर उसे फाइन देना होगा या सजा भी भोगनी पड़ सकती है। बहुत कुछ खाने परोसने वाले कर्मचारी की नीयत यानी इंटेंशन पर भी निर्भर करता है। अगर पीड़ित पक्ष रेस्टोरेंट मालिक से मुआवजे की मांग करता है तो कोर्ट के निर्देश के मुताबिक उसे सेटलमेंट राशि देनी होगी, क्योंकि अगर शाकाहारी व्यक्ति ये कहे कि उसे शुद्धि के लिए इतनी राशि खर्च होगी तो उस खर्च का वहन होटल मालिक को ही करना होगा। हालांकि अगर कस्टमर को मालूम है कि होटल में मांसाहार यानी नॉनवेज मिलता है तो ये लापरवाही उनकी भी मानी जाएगी। इसके बावजूद टेबल पर खाना परोसने वाले ने पहले नहीं बताया या नहीं पूछा तो ये गलती उसकी मानी जाएगी। अब वास्तव में पूरे मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लागू होता है। कानून के जानकार ये भी कहते हैं कि ये दूषित भोजन परोसने का मामला भी बनता है। वहीं दोषी पक्ष को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया जो आप रोज करते हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा नहीं होता है, खाने में कुछ गड़बड़ियां मिलने की वजह से, तो आप कहां शिकायत कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो जो भी आपको प्रोसेस बताए गए उसे आगे जब भी आप ऑर्डर करें तो उसे जरूर फॉलो करिएगा। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। Eat eggs? No. Eat fiber? Sleep? No. Take short naps? Don't listen to others? No. Serve others? Do you ever feel like you're drowning in a pool of advice? This is Sonali Acharjee, a health journalist for the last 10 years, who is equally fed up of lines like 10 ways to stay fit. So join me in the podcast Health Wealth as we learn about health from a completely new perspective, where investing in yourself is not a task, but simple, satisfying, and joyful. Full episodes are available on Apple, Google, Spotify, and the India Today podcast website. Tune in now.